जोहार नमस्कार। आज कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए आज नई जानकारियों के साथ उपस्थित हो गए हैं, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में समय समय पर चलाए जाते हैं बीजो उपचार कार्यक्रम। गेहूं के खरपतवारों का नियंत्रण है जरूरी। बर्मी कंपोस्ट बनाने के काम को सुविधाजनक तरीके से करता है प्लास्टिक ट्रेटा बर्मी बेड। गुणवत्तापूर्ण अनाज हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब फसल रोग मुक्त और कीट मुक्त हो। रोग मुक्त और कीट मुक्त फसल प्राप्ति के लिए बीजोपचार सशक्त माध्यम है। कृषि विभाग झारखंड समय समय पर राज्य के विभिन्न जिलों में बीजोपचार कार्यक्रम चलाती है, जिसके अंतर्गत किसानों को बीजोपचार करने के तरीके बताने के साथ दवाएं भी मुहैया कराई जाती हैं। सीड ट्रीटमेंट बीजोपचार, हम लोग किसानों को बीजोपचार करा रहे हैं। खरीफ मौसम में भी 216 पंचायत है, सभी पंचायतों में खरीफ में हम लोग कैंपेन किए और किसानों को ट्रेनिंग दिए और कैसे बीजोपचार होता है, जैसे पल्स पोलियो ड्रॉप के जैसा होता है उसी तरह बीज में भी इसका टीकाकरण करते हैं बीजोपचार से। खरपतवार किसी भी फसल के लिए हानिकारक होते हैं। ये पौधों को मिलने वाले पोषक तत्व ग्रहण कर लेते हैं, जिससे फसल की पैदावार पर प्रभाव पड़ता है, साथ ही उपज और गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है। गेहूं के फसल में भी कई तरह के खरपतवार निकलते हैं, तो आइए जानते हैं कि बिलम से बोई जाने वाली गेहूं के खरपतवारों के लिए कौन सी दवा का किस प्रकार प्रयोग करें। किसान भाइयों, अगर आप गेहूं की बुआई बिलम से किए हैं तो उसमें खरपतवार के नियंत्रण के लिए आप आइसोप्रोटोरॉन 1.5 kg और 240 आधा kg को 600 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर स्प्रे करेंगे तो चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार और सकरी पत्ती वाले खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। सब्जियों की खेती करने वाले कृषक इस समय बैंगन की फसल लगा सकते हैं। बैंगन की अच्छी उपज पाने के लिए स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण मणि, स्वर्ण श्री, स्वर्ण शक्ति और स्वर्ण श्यामली नामक प्रभेद अच्छी मानी जाती है। इन किस्मों को लगाकर किसान निश्चित तौर पर लाभान्वित हो सकते हैं। स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण मणि, स्वर्ण श्री, स्वर्ण शक्ति और स्वर्ण श्यामली, ये नाम है बैंगन के उन्नत प्रभेदों के। बैंगन के इन प्रभेदों के 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 200 से 250 क्विंटल बैंगन प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों, गेहूं के फसल में आमतौर पर यूरिया का छिड़काव किया जाता है, परंतु कृषि विशेषज्ञों के अनुसार फसल लगने के 55 दिनों के बाद यूरिया का छिड़काव नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से फसल को नुकसान होता है, तो गेहूं की बेहतर उपज पाने के लिए यूरिया का छिड़काव कब, कैसे और कितना करना है, जानते हैं बेहतर तकनीक में कृषि विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, ध्यान रखें, खड़ी गेहूं की फसल में यूरिया आप बहुत ज़्यादा छिड़काव करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कभी भी 55 दिन के बाद यूरिया का छिड़काव गेहूं के खेत में नहीं होना चाहिए। नहीं तो यूरिया जैसे ही 55 दिन पर या 50 दिन के बाद छिड़काव करेंगे तो नए नए पौधे निकलना शुरू हो जाएंगे, और नए पौधे जैसे आप जानते हैं कि माँ भूखी रह सकती है और बच्चे को भूखा नहीं रह सकती है, तो जो नए पौधे हैं उसके बच्चे समान है और जो पुराने पौधे हैं उसके भोजन कट के उसमें चले जाते हैं और नए पौधे जाकर जो गर्मी जो पछी हवा निकलता है मार्च में उसमें सूख जाता है और बाली नहीं लगती है, जबकि उसका खुराक पुराने पौधों से वो खींच लेता है, इसलिए आपका उपज कम हो जाता है। तो जो भी आप खाद डालना चाहते हैं आप 45 दिन तक ही यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करें, डालें खेत में। बर्मी कंपोस्ट बनाने के काम को सुविधाजनक तरीके से करने के लिए किसान प्लास्टिक से निर्मित प्लास्टिक ट्रेटा बर्मी बेड की सहायता ले सकते हैं। ये बेड हल्के होने के कारण कहीं भी लाए ले जाए जा सकते हैं और इसमें खाद की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। बर्मी कंपोस्ट निर्माण के लिए आमतौर पर पक्के बेड का निर्माण करना होता है, साथ ही उसके ऊपर शेड भी बनाना पड़ता है, जिसमें खर्च तो ज्यादा लगता ही है, साथ ही उस स्थान का उपयोग दूसरे कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता। वहीं प्लास्टिक ट्रेटा बर्मी बेड इन झंझटों से मुक्ति देता है।
प्लास्टिक से निर्मित हल्के इस उपकरण को दूसरे जगहों पर लाया ले जाया जा सकता है और इसमें कंपोस्ट की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। सफलता की कहानियां हमें प्रेरणा देती है। जी हाँ, आज के इस अंक में भी हम मिलवाते हैं ऐसे ही एक किसान से जिन्होंने कृषि क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि हासिल की है। आइए मिलते हैं इस किसान से। हम लोग किसान हैं और वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं और उससे बहुत आर्थिक लाभ है। मेरी स्थिति उससे बहुत अच्छी हो गई है। बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई पहले बहुत प्रॉब्लम होता था, लेकिन अब खेती से बहुत प्रॉफिट है और हम लोग बहुत अच्छे तरह से जी रहे हैं। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 26, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 28, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। गुड्डा अधिकतम 28, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 26, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 28, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग अधिकतम 26, न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों में आंशिक तेजी देखने को मिली। वहीं आलू की अच्छी आवक से मूल्यों में थोड़ी नरमी आई है। इसके साथ किराना मंडियां अपने पिछले सप्ताह के मूल्यों पर टिकी रहीं। वहीं आज बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो वे इस प्रकार रहीं। चावल मोटा न्यूनतम 1400, अधिकतम 2000 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2200, अधिकतम 2500 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1600, अधिकतम 1800 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 10100, अधिकतम 12300 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 5400, अधिकतम 6200 रुपए। दाल चना न्यूनतम 4600, अधिकतम 5700 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 9150, अधिकतम 10100 रुपए। आलू न्यूनतम 700, अधिकतम 1000 रुपए। और प्याज न्यूनतम 1800, अधिकतम 2130 रुपए। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने देखा मंडी भाव, जाना मौसम का हाल और कृषि की नई नई तकनीक और उपकरणों की भी जानकारियां ली। तो चलिए हम जानकारियों का सिलसिला बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले लेंगे एक छोटा सा विराम। तब तक आप देखिए संदेश। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाई बहनों, आपके खेतों में अभी चना लगा हुआ है, तो कैसे उसकी देखभाल हम कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानकारी दिलवाएंगे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार से, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी भानु घोष। खाद्यान्न फसलों में दलहनी फसलों का बहुत तो महत्व है, जिनमें चना मुख्य दलहनी फसल है। दलहनी फसल की खेती कर किसान कम लागत में ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। इसमें दूसरों फसलों की अपेक्षा सिंचाई भी कम तथा उर्वरकों का प्रयोग भी कम लगता है। अक्सर चना की फसल कि अगर ठीक ढंग से देखभाल ना की गई तो बहुत सारे रोग व्याधियां लग जाती हैं, जिससे खेती में हमें काफी नुकसान होता है। चना फसल की खेती में अगर प्राथमिकता की बात करें तो खेत का चुनाव, उन्नत प्रभेदों का चुनाव, उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग तथा सही समय पर सिंचाई करने से हमारा फसल सही रहता है। फलों की अधिकता के लिए किसानों को सलाह दी जाती है कि खुटाई या निपिंग का उपयोग कर सकते हैं। खुटाई करने से पौधों में शाखा की मात्रा ज्यादा होती है,
जिससे हमारे फसलों में फूल और फल ज्यादा मात्रा में लगते हैं। मगर खुटाई करते समय कुछ सावधानियों पर भी ध्यान देना जरूरी होता है, जैसे एक खास ऊंचाई के बाद खुटाई बंद कर देनी चाहिए या बुआई के 2 महीने बाद या पौधों में फूल आने से पहले खुटाई बंद कर देना फसलों के लिए लाभकारी होता है। उर्वरकों का प्रयोग भी चना फसल के लिए जरूरी है, आमतौर से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरक। बीज की बुआई के समय फास्फोरस और पोटेशियम की जरूरत पड़ती है और नाइट्रोजन की आवश्यकता कम पड़ती है, इसलिए समय समय पर मिट्टी जांच कराने की सलाह कृषि वैज्ञानिक किसानों को देते रहते हैं। जब हमारी 1 महीने की फसल हो जाए तो 2% यूरिया का चना फसलों पर छिड़काव लाभकारी होता है, तथा दूसरा जब पौधों में दाना आने लगते हैं तब। दलहनी फसल चना में सिंचाई की जरूरत कम पड़ती है, 2 या 3 सिंचाई चना फसल के लिए उपयुक्त है। पहली सिंचाई फूल आने से पहले या बीज बुआई के 2 महीने बाद का समय सही रहता है, तथा दूसरी सिंचाई जब फूल से फली बनने लगता है या जब दाना भरने लगता है तब। अक्सर चना फसल में फली वेदक कीट और पत्तियों पर कीट लगना हमारे फसल की आम समस्या है। जैसे ही इनके लक्षण किसानों को दिखे तो रासायनिक कीटनाशक के साथ साथ जैविक कीटनाशकों का प्रयोग हमारे फसल के लिए लाभकारी होता है। इंडोस्कार्प 1.5 ml प्रति लीटर घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव तथा जैविक कीटनाशक जिसमें नीम का तेल 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव करने से हम अपने फसल को इन कीटों से होने वाले नुकसान से बचा लेते हैं। इसके अलावा 3 साल पर फसल चक्र अपनाने से हम अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। बीज उपचार के लिए कार्बिंडाजीम तथा मिट्टी उपचार के लिए ट्राइकोडर्मा का प्रयोग लाभदायक रहता है। इन्हीं सब तकनीकों को अपनाकर चना फसल से हम काफी लाभ कमा सकते हैं। अभी जो चना फसल लगा हुआ है खेत में, उसमें वो अभी करीब 1 से 1.5 महीना के आसपास का है, और उसमें किसान भाई देखेंगे कि जो है इसमें 2 बार उनको जो निकाई गुड़ाई करना बहुत ही आवश्यक है। एक तो 20 से 25 दिन के बाद अवश्य निकाई गुड़ाई करें, और दूसरा जो है 40 से 45 दिन के बाद निकाई गुड़ाई करना चाहिए। इससे जो है खरपतवार की संख्या में कमी होती है और उत्पादन बढ़िया होता है, उसमें जो डालियां हैं वो ज़्यादा संख्या में आती है। दूसरा है कि आप उस सिंचाई पर भी, चना की फसल में सिंचाई पर भी ध्यान देंगे। जो पहला सिंचाई है वो फूल आने के पहले करेंगे, और दूसरा सिंचाई है कि वो फूल जब फल लग जाते हैं उसके बाद करना चाहिए। बीच में जब फूल का समय होता है उस समय किसान भाई सिंचाई ना करें, और ये भी ध्यान रखें कि सिंचाई जो है हल्का सिंचाई होना चाहिए, ज़्यादा उसमें पानी नहीं डालना है, उसमें फ्लडिंग नहीं करना है। इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं और उसका प्रबंधन हमारे किसान भाई किस प्रकार करेंगे? चना में मुख्य रूप से जो कीट है वो फूल एवं फली छेदक कीट लगता है। इसका जो पिल्लू है वो चना को जब फल लगने लगता है तो उसको खाने लगता है, तो उसके लिए जो है दवा इंडोक्साकार्ब 0.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके उसको जब स्प्रे करते हैं। इसके अलावा जो है मोनोक्रोटोफॉस, इसका जो है 15 दिन के अंतराल पर 2 बार स्प्रे करने पर फूल एवं जो फल छेदक कीट है उसका नियंत्रण हो जाता है। कीट के अलावा इसमें रोग का भी प्रकोप देखा गया है। इसमें उकटा रोग मुख्य रूप में ये प्रमुख है। ये उकटा रोग के कारण जो है वो पहले पत्ते सूखने लगते हैं, फिर ऊपर से जो नीचे की ओर जो पौधे हैं वो सूखने लगते हैं, तो इसका नियंत्रण तो ऐसे संभव नहीं है। लेकिन जब इसके लिए जो एक ही उपाय है कि जब बुआई करते हैं उस समय इसका कार्बिंडाजीम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से आप बीज उपचार अवश्य कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई को बताएं, अच्छी पैदावार के लिए और किन किन बातों का ध्यान हमारे किसान भाई रखेंगे? किसान भाई एक चीज़ और देखेंगे कि जब फूल आने की अवस्था के पहले जब पत्तों में खटापन नहीं आता है तो उस समय आप उसका खोटाई करना चाहिए। खोटाई मतलब कि निपिंग, उसको अंग्रेजी में निपिंग बोलते हैं, जिससे निपिंग करने पर तना का जो संख्या है वो बढ़ जाता है, उसमें ज़्यादा बढ़ने जो पौधा है उसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होता है, इससे कि जो है पैदावार अधिक होती है। और एक चीज़ और उसमें देखा गया है कि उसमें चना की फसल में
कभी कभी बोरन का कमी भी देखा गया है। तो इसके लिए तो लगाने समय ही जो है बोरेक्स वो करीब 10 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अगर उस समय नहीं कर पाए हैं तो किसान भाई जो सोलोबल घुलनशील बोरन होता है उसका 1% ये कॉन्सेंट्रेशन का घोल बना करके अगर किसान भाई खेत में स्प्रे करेंगे तो वो जो है इसका कमी दूर हो जाता है और किसान भाई को अच्छा पैदावार इसका मिलता है। डॉक्टर साहब, कई बार हमारे किसान भाई देखते हैं कि उनके खेतों में जो फसल लगी हुई है वो बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन खोलने के बाद या जब दाने आ जाते हैं तो उसमें दाने की मात्रा कम होती है, तो इसका क्या कारण है? नहीं, इसके लिए तो किसान भाई पहले ही जब खेत तैयार करते हैं तो जो अनुशंसित जो इसका खाद का मात्रा है वो अवश्य दें, जिसमें कि 25, 50, 25 और 20 किलो, यानी 25 किलो नेत्रजन, 50 किलो फास्फोरस, 20 किलो पोटास और 20 किलो सल्फर का जो है उपयोग अवश्य करें। इसका भंडारण हमारे किसान भाई किस प्रकार करेंगे? जब चना की फसल पक जाए तो उसको काट करके और थ्रेसिंग फ्लोर में ले आएँ, उसको अच्छे से दौनी करके और उसको सुखाएँ। सुखाने में ध्यान रखें कि ज़्यादा धूप में ना सुखाएँ, कम अवधि में ही, जब जो धूप है वो ज़्यादा कड़ा ना हो उस समय सुखाएँ। और ध्यान रखें कि जब इसका जो नमी का प्रतिशत 10 से 12 हो तब उस समय वो भंडारण के लिए उपयुक्त होता है। उसमें एक ध्यान दे सकते हैं कि जब उसको मुंह में चिबाएं, दांत से काटें तो खटखट का आवाज़ जब करने लगे तो समझ जाएं कि उचित उसमें नमी है और उतना में आप किसान भाई उसका भंडारण करना सुरक्षित रहेगा। तो चना की फसल की कैसे समसामयिक देखभाल की जाए इसके बारे में आपने जानकारी ले ली, तो चलिए हम और भी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा विराम। तब तक आप देखिए ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाई बहनों, अभी आपके खेतों में मटर लगा हुआ होगा, उसमें कई तरह के कीट एवं रोग भी लग जाते होंगे, उसकी प्रबंधन कैसे की जाए बहुत किसान भाई बहनों को नहीं पता होगी, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चलिए आज हम इसी के बारे में जानकारी दिलवाएंगे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार से, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, मटर की आप खेती करते हैं, अब मटर अभी लगा भी हुआ है और कुछ लगा भी रहे हैं देर सवेर, और आप उसको नियंत्रण कैसे करते हैं, आप उसमें कौन कौन सी उस समय अभी बीमारियां लगती है और कैसे उसका प्रबंधन करते हैं, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक कुमार। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत नमस्कार, जोहार। डॉक्टर साहब, अभी मटर लगा हुआ है, इस वक्त हमारे किसान भाई क्या करें? अभी जो मटर लगा हुआ है, किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय एक उसमें फंगल जो बीमारी आती है फफूंद से, वो ज़्यादा परेशान करता है। किसान भाई देखते होंगे कि पत्तों पर सफ़ेद चूर्ण बन जाता है, फलियों पर भी सफ़ेद चूर्ण बन जाता है, तो उसको धीरे धीरे देखिएगा कि पूरा का पूरा पौधा खराब होने लगता है, फूल नहीं आता है और मर भी जाता है पौधा और आपका फसल बर्बाद हो जाता है। अमूमन जैसे जैसे गर्मी बढ़ता है उस समय ज़्यादा आता है, या फिर बादल आया, अगर हल्की बारिश हो गई और फिर गर्मी थोड़ा बढ़ गया तो उस समय आप देखेंगे इस तरह की बीमारी आती है। इसमें पत्तों पर और फलियों पर, डंठल पर
पीला गोल आकार का धब्बा बनता है या सफ़ेद रंग का चूर्ण आता है या फिर देखिएगा कि भूरा रंग का भी चूर्ण आता है, तो दो तरह के फंगल बीमारी इसमें लगते हैं। तो उसको उससे बचाव के लिए किसान भाइयों को सल्फेक्स पाउडर आता है, सल्फेक्स किसान भाई जानते होंगे, तीन ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर 10-10 दिन पर अगर दो छिड़काव कर दीजिएगा तो इससे बचाव हो जाएगा। या फिर आपको इंडोफिल 45 जिसको बोलते हैं, डाइथेन एम 45 अगर दवा है तो वो भी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर अगर छिड़काव करेंगे तो इनसे बचत हो जाएगा। लेकिन किसान भाइयों को ध्यान देना है कि यह आता क्यों है, क्यों होता है ऐसा, इसके जड़ में जाना होगा किसानों को, भाइयों को, क्योंकि ये जो बीमारी है तीन तरह से आता है। एक तो बीमारी है कि कोई भी बीमारी किसी फसल में आता है तो एक तो बीज में ही रहता है बीमारी, दूसरा अगर आप बुआई कर दीजिएगा तो ज़मीन से मिट्टी से बीमारी आता है, और एक तीसरा बीमारी आता है हवा से। जैसे हवा चल रही है आप देखते होइएगा कि आलू में झुलसा रोग लग जाता है, ये हवा से फैलने वाला बीमारी है। तो तीन तरह से बीमारी फैलता है, तो कम से कम किसान भाई बीज जनित बीमारी और मिट्टी जनित बीमारी से बचाव कर सकते हैं अगर चाहें तो। उसके लिए किसान भाइयों को बीज उपचार जरूर करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है बीज उपचार। और बीज उपचार करने के लिए, जैसे बीमारी के लिए बीज उपचार करने के लिए जो आपका कार्बेंडाजिम पाउडर है उससे 2 ग्राम प्रति किलो बीज से उसको मिलाइए, हल्का जिसको बीज कहते हैं मोहना, हल्का पानी से उस पर स्प्रिंकल कर दीजिए, छिड़क दीजिए कि नमी उसमें थोड़ा सा लग जाए, और तब 2 ग्राम से 3 ग्राम प्रति किलो बीज कार्बेंडाजिम पाउडर लीजिए और उस पर से फैला दीजिए, फैला के बढ़िया से उसको मिला दीजिए, बढ़िया से उसको मिला के हल्का छाया में सुखा दीजिए और तब उसकी बुआई कीजिए, तब उसमें बीज जनित और जो मिट्टी जनित बीमारी है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। केवल हवा से जो आने वाला है वो बाद में आता है, बहुत बाद में आता है, तो उससे बहुत कम नुकसान होता है। इसलिए किसान भाइयों को बीज उपचार तो रामबाण की तरह करना चाहिए। खासकर जो बीजोपचार होता है, आप अगर देखेंगे दलहन में, कोई भी दलहन, जैसे आपका अभी हम चर्चा कर रहे हैं मटर के बारे में, तो मटर में बीजोपचार करने के लिए केवल किसान भाई फफूंद नाशक ही न लें, इसके लिए राइजोबियम कल्चर भी आता है। अगर विश्वविद्यालय से जाएंगे, किसी भी कृषि विश्वविद्यालय या किसी भी जो कृषि विज्ञान केंद्र है तो वहाँ पर जाएंगे तो आपको राइजोबियम कल्चर मिल जाएगा। लेकिन राइजोबियम कल्चर प्रत्येक फसल के लिए अलग अलग होता है, चना के लिए अलग मिलेगा, मसूर के लिए अलग मिलेगा, मटर के लिए अलग मिलेगा। तो मटर की खेती के लिए अगर आप जाते हैं तो मटर में जो लगने वाले हैं राइजोबियम कल्चर, वही 2 पैकेट आप लीजिए, 1 एकड़ के लिए आपका सब पर्याप्त होता है। और उसको थोड़ा सा 1 पाव गुड़ लीजिए, 0.5 लीटर पानी ले लीजिए और उसको गर्म कर दीजिए, खौला दीजिए घोल को बना के, और उसके बाद ठंडा करके तब उसमें राइजोबियम कल्चर मिलाइए, और राइजोबियम कल्चर मिला के तब उसको आप 1 एकड़ का जो बीज है आपका, लगभग 75-80 किलो बीज लगता है एक हेक्टर में, यानी अगर 1 एकड़ में आप देखेंगे तो 30 किलो करीब में लगता है, तो 30 किलो बीज के लिए 2 पैकेट राइजोबियम कल्चर जो होता है वो सफिशियंट होता है। उसको बढ़िया से, जैसे मैंने बताया, उस तरह से मिला के घोल को ठंडा करके उसमें मिला दीजिए, मिला के ठंडा छाया में सुखा के तब बुआई कीजिए। अब इसमें एक ध्यान देने वाली है FIR, किसान भाई जानते भी होंगे FIR, पहले एफ मतलब फंजीसाइड यानी फफूंद नाशक, जैसे हमने बताया कि आपको कार्बेंडाजिम से पहले उपचारित करना है, तब इंसेक्टिसाइड अगर कीड़ा भी लगता है, आप देखते हुए बहुत सारा कीड़ा जो है ज़मीन में खा जाता है दाना को, और दाना जितना उगाव होना चाहिए फसल का उतना उगाव नहीं होता है, इसलिए उससे बचाव के लिए इंसेक्टिसाइड का भी उपचार होना चाहिए। तो उपचार जैसे आप देखिएगा जो क्लोरोपाइरीफॉस सबसे बढ़िया इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक है बीज उपचार के लिए, तो लगभग 2 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम तक ले सकते हैं, बड़ा दाना होता है चना और मटर का दोनों का, तो 4 मिलीलीटर अगर आप लीजिए दवा, उसको थोड़ा सा पानी में मिला दीजिए, और जो 1 हेक्टर के लिए बीज है उसको बढ़िया से उसमें मिला के तब छाया में सुखाइए, तब फिर
उसमें राइजोबियम मिलाइए, यानी पहले आपको फफूंदनाशक जैसे कार्बेंडाजिम से उपचारित कीजिए, जिससे रोग जितने हैं वो जो मिट्टी जनित हैं या बीज जनित हैं उसका प्रबंधन हो जाए, उसका निदान हो जाए। उसके बाद इंसेक्टिसाइड से, कीटनाशक से कीजिए, FI मतलब इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक से कीजिए, जैसे हमने बताया आपको क्लोरोपाइरीफॉस उससे उपचारित कीजिए, और उसके बाद अंत में राइजोबियम FIR मतलब कि अंत में राइजोबियम से उपचारित करके और छाया में सुखा के तब आप अगर किसान भाई उसका बुआई करते हैं तो आपको तो एक रोग से भी बचाव होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उगाव होगा, क्योंकि पौधे बीज जो हैं कम नष्ट होंगे मिट्टी में, तो ज़्यादा से ज़्यादा उगाव होगा तो पौधा का संख्या ज़्यादा रहेगा। साथ ही साथ जो राइजोबियम है वो वातावरण से नाइट्रोजन को खींच के ज़मीन में डालता है और एक छोटा सा मतलब आप यूरिया का फैक्ट्री के रूप में काम करता है, तो वो भी आपको ऊपर से फिर यूरिया देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और पौधा उसी फैक्ट्री से एक तरह से गांठ जो बनता है, राइजोबियम गांठ बनाता है जड़ में, उसी से फिर यूरिया ले लेता है, नाइट्रोजन ले लेता है, तो उसको ऊपर से यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन गलती से किसान भाई अगर इसमें यूरिया डालते हैं ऊपर से तो बढ़वार ज़्यादा हो जाएगा, वेजिटेटिव ग्रोथ जिसको बोलते हैं, शाखाएं पत्तियां ज़्यादा निकल जाएंगी और फलियां कम लगेंगी। इसलिए किसी भी दलहन में ऊपर से कोशिश करना चाहिए। मटर में थोड़ा बहुत दिया जा सकता है क्योंकि इसकी फलियां तोड़ते हैं, खासकर जो दाने के लिए नहीं, फलियों के लिए जो खेती होती है सब्जी के लिए, उसमें बीच में सिंचाई के साथ थोड़ा सा दे सकते हैं, लेकिन जो दाल के लिए अगर करते हैं तो बिल्कुल ना दें, नहीं तो फलियों की संख्या घटेगी और वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाएगा। तो इस तरह से अगर खेती करेंगे तो निश्चित रूप से बढ़िया उपज प्राप्त होगा। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी, मटर की जो फसल है उसको कैसे देखभाल की जाए, कैसे प्रबंधन की जाए और कैसे बीमारियों से दूर रखा जाए। डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों, और किसान भाइयों इसी के साथ रहते हैं विदा, जोहार। आज के लिए बस इतना ही, आशा करती हूँ आज की जानकारी से आप अवश्य ही लाभ उठाएंगे। तो जाने से पहले आप हमारा पता लिख लें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची और पिन संख्या है 834001। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, हम अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय आपके साथ फिर उपस्थित हो जाएंगे। हमें दीजिए इजाज़त, जोहार।